गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की क्लास में अपने देखने वाले माय सेल्फ मीन्स आप अपने आप आपके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट डे जब स्कूल में जाते हैं होम न्यूली, तब आपको टीचर या सर पूछते हैं ना स्टूडेंट्स के व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, ऐसे बहुत कुछ पूछते हैं। आप भी अपने बारे में बताते हो कुछ। Myself मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करवाऊंगी। ओके, तो वो फाइव सेंटेंसेस myself का क्या होगा? फर्स्ट होगा माय नेम इज, आप अपने नेम बताओगे। सेकंड होगा आई एम अ बॉय या गर्ल, बॉय बोलो बॉय, गर्ल बोलो गर्ल। थर्ड में होगा आई एम सिक्स इयर्स ओल्ड, आप कितने इयर्स के हो? ओके, फर्स्ट में आ गए स्टूडेंट, तो यू बी सिक्स इयर्स के होगे। ओके, नंबर फोर में आप कौन से स्कूल में भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे कौन से स्कूल से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हुए, तो आई गो टू कोकरा पब्लिक स्कूल। अब फिफ्थ सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, आप कौन से सिटी में रहते हो? अहमदाबाद सिटी, आई लिव इन अहमदाबाद सिटी। ओके, तो अभी अपने सेंटेंसेस लिख कर भी पढ़ेंगे। माई सेल्फ, तो फर्स्ट माई सेल्फ में होगा एम फाइव माई एन एन बी नेम आई एस इज डैश एम फाइव माई एन एन बी नेम आई एस इज माई नेम इज डैश। स्टूडेंट्स, जब आपके नोटबुक में लिखोगे आप, तो आपको भी सिर्फ डैश नहीं लिख देना है, डैश में आपके नाम लिखना है, आपके नेम लिखना है। जैसे कि सपोज कोई एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का नाम है रोहित, तो वो आर ओ एच आई टी रोहित, वो स्पेलिंग लिखोगे। ओके, फर्स्ट में माय नेम इज अपना नाम लिखोगे, सेकंड में आई एम अ बॉय हो तो बॉय, गर्ल हो तो गर्ल, आई ए एम एम ए बी ओ वाई बॉय, जी आई आर एल गर्ल, जो बॉय है लड़का है वो बॉय लिखोगे और जो गर्ल है लड़की है वो गर्ल लिखेगी। ओके, आई एम अ बॉय या फिर आई एम अ जी आई आर एल गर्ल। अब थर्ड सेंटेंस क्या होगा माई सेल्फ में? मैंने बताया आई एम सिक्स years old, I am 6 years old यानी। ओके, अभी फर्स्ट में आ गए, हर साल आपका इयर्स बढ़ता ही जाएगा, हर साल आपका बर्थडे आता ही रहेगा, तो हर एक बर्थडे में आपको क्या होगा, एक एक साल आप बड़े होते रहोगे। ओके, सीनियर जूनियर सीनियर आपने कर लिया है, तो अभी फर्स्ट में जब आओगे तो आपका इयर्स क्या होगा, 6 years, तो I A M M 6 Y E A R S years O L D old, I am 6 years old। ओके, अब नंबर फोर में फर्स्ट आपका नाम, फिर आप बॉय के गर्ल वो लिखना है, फिर आप कितने इयर्स के हैं वो लिखना, उसके बाद कौन सा है, फिर आप कौन से स्कूल में अभी पढ़ रहे हो, को लिखना है आई जी ओ ओ टी ओ टू के एच ओ के एच आर ए कोकरा पी यू पी एल आई सी पब्लिक एस ई एच डबल ओ एल स्कूल आई जी ओ ओ टी ओ टू के एच ओ के एच आर ए कोकरा पी यू बी एल आई सी पब्लिक एस ई एच डबल ओ एल स्कूल आई ओ टू कोकरा पब्लिक स्कूल। वापस आई ओ टू कोकरा पब्लिक स्कूल। आपको कोई ऐसे पूछे स्टूडेंट आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो अभी, तो आपको बताना है आई गो टू कोकरा पब्लिक।
फिर आई एम सिक्स इयर्स ओल्ड, अब कितने साल के हूँ वो इतना है। आई गो टू कोबरा पब्लिक स्कूल, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो वो इतना है। आई लिव इन अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद सिटी आप कौन से सिटी में रहते हो, अहमदाबाद सिटी स्टूडेंट्स। ओके तो वापस एक बार कर लेंगे, एम वाई माई एन ए एम ई नेम आई एस इज नाम लिखना है, माई नेम इज डैश, डैश में आपको अपना नेम लिखना है, आई ए एम एम ए बी ओ आई बॉय या फिर जी आई आर एल गर्ल, आई एम अ बॉय या फिर आई एम अ गर्ल, आई ए एम एम सिक्स वाई ए आर एस years old, old I am 6 years old, okay, I G O O T U 2 K H O K H R A Kokra P U B L I C public S C H double O L school, I go to Kokra public school, okay, number 5 I कर देना। ओके आज का